अभी हमने ये दो बड़े साइज के प्याज लिए हैं। अभी हम इसको मशीन में से निकालेंगे। पहले इस तरह थोड़ा छोटा छोटा कर लेंगे, फिर इसको मशीन से निकालेंगे। प्याज हमने निकाल लिए हैं, तो अब हम गोश्त का कीमा बनाएंगे। बिस्मिल्लाह रहमान। तो गोश्त हमने लिया है 1 किलो और थोड़ी सी साथ में हमने चर्बी ली है, इसका हम कीमा बना लेते हैं। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो अभी हम इस प्याज का पानी निकाल देंगे और इस कीमे में डाल देंगे। इस तरह दबाने से आसानी से निकल जाता है प्याज का पानी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। प्याज और लहसुन को कीमे में हमने शामिल कर लिया। प्याज का पानी निकाल कर हमने शामिल किया है और लहसुन को हमने कीमे में निकाल लिया था। तो अभी हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो अभी हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो इस तरह की दो मिर्ची थी, तो दो दो हमने ली थी, तो इस बारीक काट के इसको डाल देंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो खुश्क मसालों में हमने लिया सूखा धनिया, जीरा, ये खुशबूदार पीपली, ये खुशबू के लिए बहुत अच्छी होती है, कबाबों में इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है, और काली मिर्च ली है। तो सबसे पहले हम पीपली और काली मिर्च को बारीक पीस लेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमने पीपली और काली मिर्च का बारीक पाउडर बना लिया है। अभी हम इसे कीमे में डालेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो अभी हम सूखा धनिया और जीरे को हल्का सा क्रश कर लेंगे। तो सूखा धनिया और जीरे को हमने हल्का सा क्रश कर लिया है, तो अभी हम इसे भी कीमे में डाल देंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो अभी हम इसमें डालेंगे सुरख मिर्च। तो सुरख मिर्च हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि वो हमने ये इस तरह की सुरख मिर्च डाली थी, तो इसलिए हम कुटी हुई लाल मिर्च नहीं डाल रहे, तो इसलिए सुरख मिर्च पाउडर डाल रहे हैं। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक से डाल सकते हैं। तो अभी हम इसमें डालेंगे नमक टेस्ट के मुताबिक। अभी हम इसमें डालेंगे जो घर में सादा सा आटा होता है 2 चम्मच, वो डालेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो अभी हम इसमें डालेंगे 1 अंडा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो अभी हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो अभी हम इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। तक हम चटनी बना लेते हैं। तो पुदीने के पत्ते लिए, तभी हम इसमें 1 हरी मिर्च डालेंगे काट के।
हरा धनिया डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नमक डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अच्छे तरीके से पीस लेंगे। तो पुदीना, हरी मिर्च और धनिया को हमने पीस लिया है, तो अभी हम डालेंगे दही। दही को फेंट लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो चटनी माशाल्लाह से हमारे तैयार हो चुकी है। तो कबाबों के मसाले को आधा घंटा हो चुका है हमें फ्रिज में रखे हुए, अभी हम चूल्हे के ऊपर रखेंगे तवा। तवे पर ऑयल डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी हम कीमे के कबाब बनाकर फ्राई करेंगे। तो हाथों पर लगाएंगे पानी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कबाब बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब कबाब हमारे तैयार हैं, तो अब हम इनको निकालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो कबाब ट्रे में रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह चपली कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं, माशाल्लाह से बहुत जबरदस्त तैयार हुए हैं। तो अभी मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगा कि कैसे तैयार हुए हैं। रहमानिर्रहीम, तो माशाल्लाह से बहुत जबरदस्त चपली के बाद तैयार हुए हैं, माशाल्लाह से बहुत टेस्टी तैयार हुए। तो आप इनको घर में जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही मजे के लगेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल के बटन पर जरूर दबाइएगा ताकि मेरी नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़।